सैम से, एंजली से और जोया से, मतलब सब घर वालों से मेरा दिलदास हुआ है, और उनका भी अंजलि, नेहा से भी दिलदास हुआ। नेहा जब मैं वीडियो कॉल आज की थी तो इतना वो कर रही थी, पापा पापा, मैंने बोला पापा नहीं बोला, मम्मा बोला, मम्मा के पास रहती है। विक्की की बहुत याद आती है, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, सारा दिन यहाँ पे लेट के मोबाइल से लगा रहता हूँ। और मोबाइल पे क्या देख रहे हो ये? कुछ नहीं। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम लोग भी ठीक है ना। हाँ हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। मुंह देखो कैसा लग रहा है, छोटा सा, मुझसे भी बहुत ज्यादा छोटा। नहीं बहुत ज्यादा। आज मैं कितने 7 डे के बाद वीडियो डाल रही हूँ। बस मतलब कुछ होता नहीं है, मतलब टॉपिक नहीं होता तो उसकी वजह से नहीं डालते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। तो आज हम गोपाल भाई के मालूम करने आए, गोपाल भाई से, कि वो सोनिया के बिना कैसा है, कैसा होने लगता है, मतलब कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्हीं के मुंह से पूछते हैं, ठीक है ना। तो आज लेते हैं गोपाल भाई का इंटरव्यू कि वो अपनी वाइफ से प्यार करते हैं या नहीं करते। प्यार तो करते हैं, लेकिन उनको कैसा महसूस हो रहा है कि उनके जाने के बाद उनकी क्या फीलिंग है, तो क्या वही ना, मतलब महसूस हो, कमी महसूस हो रही है कि नहीं, यही पूछेंगे ना जी। तो आप हमारे साथ साथ ही रहिएगा, मिलेंगे थोड़ी देर में गोपाल भाई से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई? जब शकीला बाजी को देखता हूं तो मैं हैप्पी हो जाता हूं, तो इस वजह से। तो अच्छी बात है, अपने सिस्टर को देख के हैप्पी होना चाहिए। जो भाई खुश होते हैं सिस्टरों के आने से वो बड़े हैप्पी रहते हैं। तो आज मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? दिन बहुत ही बुरे गुजर रहे हैं, गिन गिन के मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बिटी जल्दी आ जाओ, देखो बहुत याद आती है। इधर देखो जरा, वाकई ऐसा ही है। हाँ जी, चले भाई, शुक्र है खुदा आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखे। और ओए अल्लाह, ये जो प्यार है आप दोनों में है ना। अच्छा अच्छा तो मतलब कैसा महसूस हो रहा है उसके जाने के बाद, क्या महसूस हुआ आपको, के मतलब किस चीज की कमी है उसके जाने के बाद? बस उसकी ही कमी है और तो किसी चीज की कमी नहीं है। नहीं, थोड़ा जैसे वाइफ ख्याल करती, बोर हो गए अकेले, मतलब के बारे सुना सुना हो गया और कुछ नहीं रहता हूं। अच्छा, अभी थोड़ी देर तो बड़े हैप्पी हो रहे थे, तो अभी आप क्या है? अच्छा, मेरा तो सैमी को कैसे आप मतलब संभालते हो? ओके, मतलब कुछ नहीं करना पड़ता सैमी को, सुबह उठ के एक फीडर बना के देता हूं, रात को सोते वक्त बस। तो तंग कितना करता पूरे दिन में? तंग बस यही बोलते हैं, 3-4 मरतबा बोलते हैं बाहर लेके जाओ मुझे चीज का। तो आप जाते हैं लेके? हां तो लेके जाते हैं, मेरी भी दुकान पे तो वहां से चीज के। और अंजलि? अंजलि तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है ना। और जोया है वो अपनी मम्मा के पास है, अम्मा के पास, वो अपनी दादी के पास रहती है। हाँ थोड़ी। तो नहीं, मैं मतलब कहने का ये है कि सोनिया के बिना क्या मतलब क्या फीलिंग होता है, कि कितनी जल्दी आए, अभी 5 मिनट में यहीं आ जाए। हाँ, वो ऐसा हो नहीं सकता ना, पता है मुझे ऐसा हो नहीं सकता। वीडियो कॉल पे बात कर लो तो इधर ही, फिर भी वो बात थोड़ी आती है अभी। ये भी ठीक है, तो मतलब यानी कि आपकी वाइफ बहुत अच्छी है ना? सबकी वाइफ ही अच्छी होती है। नहीं, कुछ वाइफ अच्छी नहीं होती ना जी, सबकी वाइफ ही अच्छी होती है। नहीं जैसे मतलब कुछ लोगों का दिल नहीं लगता, मैं आप अच्छी नहीं हो। मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, शुक्र है मालिक का। अपने मुंह से मियां मिठू। हाँ तो मियां मिठू हूँ मैं। पूछ रही थी, आपने उसके जवाब दिए लेकिन अधूरे अधूरे जी, मैंने प्रॉपरली जवाब दो प्रॉपरली। बिट्टी की बहुत याद आती है, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, सारा दिन यहाँ पे लेट के मोबाइल से लगा रहता हूँ। और मोबाइल पे क्या देख रहे हो ये? कुछ नहीं देख रहा। कुछ नहीं देख रहे? अच्छा, सही। सैम उससे मोबाइल लेने के चक्कर में। अच्छा, सैमी आपको लेने तो नहीं देता होगा मोबाइल, है ना ज्यादातर? नहीं, मेरे पास ही होता है, इसको मैं कम ही देता हूँ, जब मैंने सोना होता है फिर इसको देख के मैं सो जाता हूँ। सही। चल बिट्टी ने वाजा मार ला फिर। बेटी सुन लो, जल्दी से आ जाओ भाई, छोड़ दो यार, क्या गोपाल भाई जो है ना उदास हो गया बहुत ज्यादा, है ना। मुझे देख के हैप्पी हुआ था कैमरे को देख के, लेकिन फिर उदास हो। ओए तू क्या करता रहता है हर वक्त, है बाबा को तंग करता रहता है ये? ऐसे ही मुझे तंग करता रहता है, सारा दिन और सारी रात मेरे साथ ही सोता है। तो जहरी बात है, चलो कोई नहीं, होता तो फिर मेरा और बुरा हाल होता, मतलब और अकेला महसूस करता मैं, अकेला बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। बिटी जल्दी आ जा, बिटी छेती आ जा, आगे कुछ नहीं कह सकता। सही है, लाइक करो, फॉलो करो। थैंक यू। ओए क्या गिराया, चले मारिया।
चलो अम्मी को भी साथ नीचे जाके मिला के अम्मी क्या कर रही है। हाँ चलो गोपाल भाई पर हम आगे नीचे गोपाल जी अगर गोपाल को देख के उदास मुझे भी थोड़ी सी उदासी हो रही थी। सोनिया भाभी जल्दी आ जाओ भैया। हाँ तो मतलब यहाँ पर हम देखकर आए नीचे गोपाल को सैड, लेकिन वो कुछ बातें उसमें ऐसी बताई जो महसूस कर रहा मुझे उसके फेस से लग रहा था महसूस कर रहा था। तो सोनिया भाभी आप जो है ना जल्दी से बस आ जाओ है ना। आना तो घर ही है, आना तो घर ही है, लेकिन एक जल्दी और देर हर चीज में वो होता है ना। तो अभी हम देख लिया ड्रामे, फेवरेट ड्रामे देख लिया अम्मी को, सोया को खिलाया है, रोटी खा रही है साथ में, साथ में देख लिया अम्मी ड्रामे। और कल का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और आपको ज़रूर देखना है ना, बिल्कुल मिस नहीं करना। तो वो कल ही आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। ये कहाँ से आ रहे हैं, कितों आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, एक यहाँ पर बैठा भाई, ये मौसम मौसम के लिहाज से आते हैं, कोई बात नहीं। खैर है हमारे घर पर नहीं है, ये पता रोशनी के पास भाग भाग के आ रहे हैं, वो देखो वो एक पूरा। चले खैर मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, तो उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो आज काफ़ी दिन हो गए हैं मैं अपने बच्चों से दूर और मेरा दिल उदास हो गया है, सैम से, अंजलि से और जोया से, मतलब सब घर वालों से मेरा दिल उदास हुआ है और उनका भी नेहा से भी दिलदास हुआ। नेहा जब मैं वीडियो कॉल आज की थी तो इतना वो कर रही थी पापा पापा, मैंने बोला पापा नहीं बोला मम्मा बोला, मम्मा के पास रहती है। तो इससे पहले हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक और खूब सारा प्यार देना। आज मैं कहीं बाहर नहीं गई तो आज हमने खाना क्या खाया, हाँ आज हमने खाया दाल चावल और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के थे। और मुझे जो मिलने आ रही है और जो मेरा फेशियल करने आ रही है, मैं आपसे भी मिलवाती हूँ। आप ही के कमरे पर आ चुके हैं, घर पर आ गए। दीदी भाभी आइए मेरे घर पर, मैंने बोला कि आप खाना खा कर जाइए। मैं दीदी मार रही हूँ। हाँ तो हम लोग किस काम के लिए आए थे यहाँ? यहाँ पर आए थे कामरान की जरा बाइक जो है थोड़ी खराब हो रही थी, तो हम भाई मैकेनिक है ना बहुत अच्छे, हाँ तो इसलिए गाड़ी सही करने आए थे हम लोग ना इनकी। तो यहाँ पर चिकन वॉश कर लिया मारिया ने और मसाला देखें वो हो रहा है ब्राउन। मारिया ये देखो टमाटर काट लिए हैं, बाकी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। हाँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इन लोगों ने गाड़ी ये देखें पूरी खोल के रखी हुई है, बना रहे हैं ये लोग, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं ये देखें, और खुली हुई है गाड़ी पूरी, बस इनको करना है प्रॉपरली सही करना है, पैक करना है इसको, गाड़ी को बनाना है। तो लाइट भी चली गई मारिया, चलो कोई बात नहीं, वो आप जलाओ, बैटरी कैसे जलाओगे, जल गई आप खुद जलाओगे, पंखा चलता गई है वो दुआ। और यहाँ लाइट चली गई है, हम लोग बैठ गए जी गाइस, अभी तक लाइट नहीं आई और हम कर रहे थे लाइट का वेट कर रहे थे और हम लोगों ने खाना खाना है रेडी, और जी खाना हो गया रेडी, और जो है ना हम लोग शेयर नहीं कर पाए क्योंकि मतलब लाइट नहीं थी, तो अंधेरे में तो अभी फायदा नहीं, वैसे मैंने खाना बना लिया तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि बाइक बना रहे हैं अभी ना, तो बाइक अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुई है, टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। तो अभी लाइट का वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं वीडियो का एंड कर देते हैं ना, एंड करते हैं क्योंकि कल बहुत ज्यादा टाइम हो गया, क्योंकि वीडियो भी अपलोड करनी है, तो इसलिए। हाँ तो बाकी खाना जब खाएंगे तो ऐसे ही जल्दी से खा लेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे। हाँ तो वो जाहिर सी बात है, वो तो ठीक है ना, तो वीडियो मतलब खाने का व्लॉग आपके साथ हम शेयर नहीं करेंगे। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, और अगर आप लोगों को सोनिया भाभी की और गोपाल भाई की पता चला होगा एक दूसरे को याद आती है कि नहीं है ना, हाँ तो बताइए कमेंट्स में जरूर। तो मिलते हैं हम आपको अच्छे व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।